गाइस ये देखो ये क्या किया हुआ है, अपना बहरूफी है। तो टोल में लगा एक्सप्रेस वे का नागपुर से लेकर यहाँ तक 3400 का 3400 का टोल लगा। अभी जस्ट हमने लाया था ये एक हेलमेट, और हेलमेट की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ भाई। तो ये रखो इधर कितनी गाड़ियाँ, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ। Hi guys, this is your boy SK Vlog and welcome back to my brand new video. मेरा guys, तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। लास्ट व्लॉग में आपको बताया होगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ जिंदल स्टील फैक्ट्री में। यहाँ पे लोड करना है मेरे को मुंबई नवी मुंबई कलम बोली का। सो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से व्यू यहाँ का, कितनी सारी गाड़ियाँ ये चेक इस गाड़ी से दिखाता हूँ मैं। ये देखो कितने सारे ट्रक्स हैं, हमारे इस साइड भी ट्रक्स हैं, आगे भी ट्रक्स हैं। इस साइड तो बहुत बड़ी पार्किंग है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ी। सो अभी हमें पता नहीं क्या लोड करना है, अभी ट्रांसपोर्टर हो रहा था, अब दोपहर में लोड हो जाएगी। सो लेट्स सी क्या होता है। सो चलते गाइस, मुँह हाथ धोते फ्रेश हो जाते तो उसके बाद ही मिलते हैं आपसे। तो ये रखो इधर कितनी गाड़ियाँ, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ कुछ आंध्र प्रदेश की गाड़ियों के साथ। तो भाई इधर बहुत कच्चा एरिया, बहुत मिट्टी मिट्टी है, रात को भी बहुत ज़्यादा पाँव भर गए थे मिट्टी में। सो हम जा रहे हैं मुँह हाथ धोने। तो टाइम हो गया 12, एंड अभी तक कोई आइडिया नहीं कब तक अपनी गाड़ी अंदर जाएगी। तो अभी जस्ट ट्रांसपोर्टर से बात करी थी तो वो बोल रहे भाई 2 बजे के करीब गाड़ी अंदर ले लेंगे, अभी लंच का टाइम है। पर गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं, बीच बीच से आ रही हैं जा रही हैं, और ये उस्ताद जी आके नहा धो के। सो अभी जस्ट हमने लाया था ये एक हेलमेट, और हेलमेट की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ भाई। वेट इधर रख के मैं क्वालिटी दिखाता हूँ। ये देखो क्वालिटी, ये देखो। अरे इस पर अगर कोई भारी चीज़ बढ़ेगी तो ये ऐसे भी चला जाएगा नीचे। अभी ये 100 रुपीज़ का एक ये लाया हमने, और एक ये जैकेट लाया। ये आपको जब पहन के मैं दिखाऊंगा जैसी गाड़ी निकलेगी लोडिंग के लिए। तो ये आगे उस ताजी नहा धो के। सो गाइज उस कंपनी में तो अपना लोड हुआ नहीं, सो हम आ चुके हैं 1:30 बजे दूसरी एक कंपनी में, वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। एंड यहाँ पे बोलते हैं हो जाएगा, रहने दो रहने दो। सो यहाँ ये देखो ट्रेन जा रही, इस फाटक के पास है अपनी कंपनी। तो यहाँ पे अपनी कंपनी है जहाँ पे अपना लोड है, तो यहाँ से होप्सो लोड हो जाएगा गाड़ी। तो बोला उन्होंने कि आज की डेट में हो जाएगी लोड, और हमने ये जो जैकेट लिया था और वो टोपी ली थी सेफ्टी, और अब देखते हैं वो यहाँ पे काम आती है या नहीं आती। एंड वेट कर रहे हैं कब तक हमारी गाड़ी लोड होगी, तो फिर हम निकलेंगे। अभी जहाँ पे हमने जाना था वहाँ भी नहीं जा रहे, महाराष्ट्र में का ये भी महाराष्ट्र का लोड है पर ये जालना का है। और देखते हैं गाइस लोड होती है आपको दिखाते हैं लोड। एंड सी स्टेयरिंग को करते नीचे, एंड फाइनली अपनी गाड़ी का आ गया ये पर्ची। अब इस पे हमें जाना है लोड करने के लिए, 24 टन माल डालना है, स्पॉन्ज आयरन प्लेट। अब आई डोंट नो स्पॉन्ज आयरन प्लेट कौन सी हैं, एंड लेट्स गो चलते हैं कंपनी के अंदर, देखते हैं गाड़ी लोड करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं गाइस। अंदर तो बहुत स्ट्रिक्टनेस होगी, वीडियो तो बनाने नहीं देंगे, एंड बारिश भी लग रखी है बाहर। तो लेट्स गो चलते हैं कंपनी के अंदर। ऐसी रोड है जिस रोड से हम जा रहे हैं, इस साइड ये कुछ पानी वाला है बहुत बड़ा। अभी इधर कैमरे बहुत लगे हुए हैं, हम क्या वीडियो शूट करेंगे, बट जितना हो सकेगा मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा ये पानी वाला एरिया। सो पीछे सिक्योरिटी चेक हो चुका है हमारा, चेक दिस आउट, ऐसी कुछ रोड है यहाँ पे, अंदर जंगल ही जंगल। और लोहे का हमने लोहा डालना है, सो लोहे का काम तो होगा। इधर बाहर हम पहले खड़े थे, अब वहाँ से घूम के आ गए ये पानी वाला एरिया। सो अभी गाड़ी खो चुकी है, वो बोल रहे थे गाड़ी के पीछे जाना, बट गाड़ी है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, चलते हैं किससे पूछ लेंगे। तो गाइज अपनी गाड़ी हुई है लोड, एंड मुझे फ़ोन चार्जिंग भी लगाने के हैं क्योंकि दोनों डेड हो रहे हैं। सो बाहर तो बहुत ज़्यादा धूल है गाइज, तो इसी के बीच अंदर बैठ के आगे आगे थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है। मशीन से डाल रहे हैं, आपको दिखाएंगे क्या डाल रहे हैं। सो अभी के लिए फ़ोन लगाते हैं हम चार्जर पे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो हाय गाइज गुड मॉर्निंग, एंड टाइम हो रहा है 4 बजे मैं सोया था, 6 बजे उठ गया, 2 घंटे की नींद कर दी है मैंने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी नींद हो गई है। सो एक्चुअली रात को कल हमने गाड़ी लोड करी थी, एंड रात को लेट नाइट निकले, सो वीडियो कुछ भी शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो वहाँ से निकले तो रास्ते में खाना खाया होटल पे, राजस्थानी ढाबे पे। सो खाना वाना खा के तो फिर रात को चल ही रहा था, ड्राइव कर 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 करके 4 बजे में पहुँचा। रास्ते में मैंने दे दी उस्ताद जी को गाड़ी 4 बजे, तो अभी टाइम हो रहा है 6, तो आपका भाई यहाँ पे है। सो अभी हमें रास्ता बच गया गाइस 1.5-2 घंटे का, जहाँ पे हमने जाना है, जहाँ पे अपनी गाड़ी का गैरेज है, जहाँ पे इसको सर्विस थोड़ी सी सर्विस करवानी है गाड़ी की,
इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, गाड़ी एक एक्सीलरेटर छोड़ रही है और वो आइकन आया हो उसकी वजह से, और दूसरा इसमें लाइट एक बंद खराब है, राइट लाइट का फ्यूज हो गई है, राइट बल्ब दायां बल्ब। सो और जो दिन में DRL चलते हैं वो एक्चुअली ब्लिंक कर रहे हैं, अब कोई पता नहीं है वायरस की वजह से है क्या। सो इसलिए हमने जाना आज गैरेज में, तो चलो एक दिन आज गैरेज का हो जाएगा, तो फिर आगे वाली बात करते हैं। सो गाइस ऐसी कुछ लोकेशन पे हम जा रहे हैं, सो यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है चेक दिस आउट, यहाँ पे हाथी वाथी भी आते हैं इस एरिया में। सो इस एरिया से हम लोग जा रहे हैं, सो चलते हैं आगे, निकलते हैं बाहर मेन रोड पे, जो मुंबई कलकत्ता हाईवे रोड है उस रोड से होके हम जाएंगे। एक्चुअली रात को इधर से होके आए, हमारे साथ गाड़ियाँ थी पर वो गाड़ियाँ रास्ते में रुक गए, सो गए, सो हम चल ही रहे थे, बिकॉज हमें आपको पता है ट्रैवल करना होता है, दो आदमी हम चलाने वाले हैं, सो हम रुकते नहीं इतना ज़्यादा। सो आगे आगे, तो अभी चलते सीधा गैरेज में, सी क्या होता है, अभी चलते हैं आगे वाला सफ़र करते हैं, अभी 2 घंटे की ड्राइव है तो वो कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद गाड़ी दिखाते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं साथ साथ क्या हो रहा है गाड़ी के साथ एंड कौन कौन से रास्ते जा रहे हैं। अभी बालू की हालत देखो कैसी हो रही है, कोई ऑयल वॉयल भी मिला नहीं कितने दिन से। सो देखेंगे जहाँ गाड़ी खाली करेंगे औरंगाबाद में, वहाँ आई थिंक कहीं देखेंगे कहीं ऑयल वॉयल। सो गाइस हमें बच गया 374 किलोमीटर रायपुर। सो आगे से हमने ज़ेब्रा एक्सप्रेस पे चढ़ जाना है, अब ज़ेब्रा एक्सप्रेस का उस्ताद ही मज़ा लेने वाले हैं। सो देखेंगे कैसी ज़ेब्रा एक्सप्रेस है। तो ज़ेब्रा एक्सप्रेस रह किया हमें 8 किलोमीटर एंड ये रही ज़ेब्रा एक्सप्रेस एंड लेट्स सी क्या होता है। इस रोड पे तो स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, तो लेट्स सी क्या होता है, चलते हैं इसी रोड पे। इसी के साथ साथ हम पहुँचे हैं जंगल में, सो अब चढ़ाई चढ़ाई है हमें। सो अभी थोड़ा सा रह गया 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के बाद हमें आ जाएगी अपनी बड़ी रोड जो कलकत्ता मुंबई है हाईवे रोड है GT रोड। सो उस रोड से हम सीधा चले जाएंगे भारत बेंस के गैरेज के पास एंड भारत बेंस के गैरेज में हम अपनी गाड़ी को करवाएंगे चेकअप, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों चढ़ नहीं रही है, एक्सीलेटर भी कम ले रही है, पावर भी प्रोड्यूस कम कर रही है और साथ में लाइट भी अपनी एक फ्यूज हो गई है, और आपको अभी जस्ट बताया DRLs की प्रॉब्लम, सो ऑल ओवर आपको बताने वाले हैं सीधा गैरेज में चल के। लेट्स गो गाइस, चलते हैं गैरेज में एंड वहीं मुँह हाथ धोएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, अभी जस्ट मैं उठा था। सो ऐसे कुछ रोड के साथ आपका भाई निकल रहा है। हम पहुंचे हैं मेन रोड पे एंड अब इसी मेन रोड से हम सीधा जालना पहुंच जाएंगे जहां का हमारा लोड है। तो एक्चुअली यहां तक का हमारा सफर था सिंगल रोड का, तो अभी बढ़िया रोड है, ये वाला पार वाला घाट पूरा चढ़ के उतर के आए हम लोग एंड चेक दिस आउट कितना बड़ा था। सो कुछ ऐसी लोकेशन पे हम लोग हैं एंड यहाँ पे एक अंकल भी हैं बैठ रहे हैं इनकी बॉडी। तो उस्ताद जी को जाना था वॉशरूम, बट मैंने कहा भाई उधर ही चलते गैरेज में, वहीं जाएंगे। अभी मेरी भी हालत देखो, मुँह हाथ बिल्कुल नहीं धोया, अभी जस्ट जैसा उठा था वैसे ही सीट पे बैठा हूँ। सो मैं यही होप कर रहा हूँ जल्दी पहुँचा 9 बजे तक। सो अब मुश्किल ही 9 बजे पहुँचे, 9:30-10 बजे ही पहुँचाएंगे, चलो वो भी बेटर रहेगा, हमारी गाड़ी सुबह सुबह ही दिक्कत जो भी होगी सॉर्ट आउट हो जाएगी, नहीं तो वो टाइम लगाएंगे बहुत ज़्यादा। अभी चल रहे हैं उधर, अभी बच गया हमें 60 किलोमीटर, 60 से कम ही होगा, 55-56 होगा। सो चलते हैं, ये देखो भाई, ये देखो वेस्ट बंगाल की गाड़ियाँ जा रही हैं। शक्तिसौड़ ऐसी खड्डे वाली रास्ता आ चुका है, ये कलकत्ता और बॉम्बे को जोड़ता है ये रास्ता। अरे भाई, ओ यार अंकल का प्याज गिर गया। सो गाइस टाइम हो गया अभी 11 का एंड हम हैं, ये आ गया भारत बेंस का शोरूम, यहाँ पे सर्विस सेंटर भी है इनका। सो गाड़ी मैंने अभी लगाई, इनसे बात भी करी है इस आइकन बत्ती के लिए, यहाँ पे एक बत्ती आ रही है उस वजह से। सो देखते हैं अभी ये कब तक आते हैं, वो कब तक सॉर्ट आउट करते हैं हमारा इशू, बोलते हैं अभी टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा, देखते हैं पार्ट हमारे पास अवेलेबल होगा तो चेंज करेंगे या फिर चेक करेंगे, तो लेट्स सी कब तक आते हैं वो, तब तक हम गाड़ी में वेट करें, गर्मी बहुत हो रही है तो फैन लगा हुआ है। उस्ताद ही देख रहे हैं भाई फ़ोन पे वीडियोस एंड मैं कर रहा हूँ भाई ऐसे ही टाइम पास, सोचा आपको थोड़ा शॉर्ट भी कैप्चर कर लूँ वीडियोस एंड मैं कर रहा हूँ भाई ऐसे ही टाइम पास सोचा आपको थोड़ा शॉर्ट भी कैप्चर कर लूँ ये खड़ी अपने आगे भारत बेंज की। अरे यार ट्रेलर है ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। सो करते हैं वेट, देखते हैं कब तक वो सॉर्ट आउट करते हैं हमारा इशू, फिर निकलेंगे यहाँ से। हम खड़े हैं संबालपुर में, सो लेट्स सी।
सो गाइस फाइनली टाइम हो गया 2:30 एंड कोई भी अपडेट नहीं आया भारतवेंस की तरफ से। चार बार हम विजिट कर चुके हैं भारतवेंस की कंपनी में, सबको बोला भाई गेट डालो, वो बोलते हैं अभी ट्रायल के लिए छोड़ेंगे। तो ये चौथी कंपनी जो हमने विजिट किया, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भारतवेंस की कोई अच्छी सर्विस नहीं है इस हिसाब से। सुबह से 10 बजे से हम गाड़ी इधर पहुंचे हुए हैं, अभी तक हमें एक गेज तक नहीं डाल के दिया उन्होंने। सो मैं तो कंप्लेंट करने वाला हूँ अब सीधा, अपने जहाँ से लिया गाड़ी वहीं पे कंप्लेंट करूँगा, बत्ती सीधा उधर खड़ी करूँगा गाड़ी जब बत्ती आएगी मेरे को यहाँ पे। अभी तो आइकन नहीं आ रहा, जब मैं रुक जाती है गाड़ी ठंडी रह हो जाती है तो ये आइकन चला जाता है, तो वो बोलते भाई अभी तो नहीं आ रहा। अभी बोल रहे थे ट्रायल लेने के लिए छोड़ेंगे गाड़ी, अगर आ गया तो फिर से वापस रिटर्न आना, अगर हम 25-30 किलोमीटर जाते हैं फिर बत्ती आती है तो वापस रिटर्न कौन जाएगा बताओ। तो इसके लिए आई डोंट थिंक सो के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोग को लेने के लिए। ये जितनी सेल करते उतना, ये जितना बातें करते उतना ये अच्छी सर्विस नहीं दे रहे, तो लेट्स सी क्या होता है। अभी नींद भी आ रही है हमें, रात को पूरी जाग के हम गाड़ी चला के लाए इधर, तो अभी तक इन्होंने काम नहीं हमारा किया। सो हम निकल गए बिना बताए, अब चलते हैं सीधा अपनी डेस्टिनेशन की ओर जहाँ हमने माल खाली करना। तो गाइस रेलवे के ब्रिज के साथ साथ हमारा ब्रिज भी इधर ही है गाड़ियों का, एंड ये रहे हम ब्रिज। अरे यार पानी कितना ज़्यादा है इसमें, और इस रोड पे ज़्यादा वेस्ट बंगाल की गाड़ी मिलती है जाने वाली, वेस्ट बंगाल और ये रहा समंदर। अरे यार ब्रिज। तो गाइस अभी का व्यू ऐसा हो रहा है, तो टाइम हो गया 7 और भाई लोग उस्ताद जी के साथ, आपका भाई अभी तक ड्राइवर सीट पे ही है। सो रुकाते हैं कहीं आगे, खाना वाना कुछ खाएंगे हम शाम को। सो फिर देखते, दिन में तो पिज़्ज़ा वीज़ा खाया था और उसके वीडियो शूट नहीं कर पाए हम, क्योंकि एक थोड़ी सी नींद भी होती है, नींद की झलक भी होती है, तो इस वजह से। हेलो पिज़्ज़े का अभी नाम लिया तो अभी इन्होंने ये डाला ही नहीं था कचरा, सो अभी हम गाड़ी थोड़ा सा लेफ्ट एच पी लेके जाएंगे तो ये उधर से डालेंगे नीचे खींच के। थैंक यू। गंद रोड पे नहीं डालना चाहिए, रोड से बाहर गया। सो ये भाई साहब यहाँ से कर रहे हैं ओवरटेक बाइक वाले भैया, जाओ छत्तीसगढ़ वालों जाओ मेरी जान। गाइस हम हैं रायपुर में एंड ये रायपुर की सिटी आ गई, तो भाई ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे। तो उस्ताद जी सो रहे हैं, अंधेरा हो रहा बाहर। अरे यार ये कितना बढ़िया है करेंसी टावर, अरे भाई बहुत बढ़िया। तो नींद भी आ रही है गाइस, अभी टाइम हो गया 9 का। तो हाय गाइस गुड मॉर्निंग आपसे करते हैं सीधा गाड़ी स्टार्ट करके एंड गाड़ी को करते बंद। सो हम रुके थे रात को, एक्चुअली अंकल चला रहे थे, सीधा आके इधर होटल पे लगा दी गाड़ी एंड अभी मैं उठा, मुँह हाथ धोया, फ्रेश हो गए। सो अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा, हम निकल जाते हैं यहाँ से बिकॉज सुबह का टाइम है एंड टाइम हो रहा है 7 और हम रुके थे बॉम्बे कलकत्ता होटल पे, जो कि ये रहा इस होटल पे। रात को तो ये पार्किंग पूरी भरी हुई थी, बट अभी पूरी पार्किंग खाली हो रखी है, अभी तो बस यही गाड़ियाँ। रात को जगह नहीं थी गाड़ी लगाने की तो हमने पीछे लगाई हुई थी, अभी हम कर रहे हैं ग्रीस गाड़ी की, तो कराते हैं ग्रीस। और यहाँ पे यूरिया भी मिलता है, बट जो कि ये यूरिया हम डालते हैं, हम तो कंपनी का ही यूरिया ही डालते हैं। अभी 2 बकेट डाल दिया एंड अब आगे से भारतवेंस का कोई शोरूम मिलेगा तो उधर से 2 बाल्टियाँ लेंगे। सो कल हम एक चीज़ बताना मैं भूल गया, कि बताई भी है पीछे वाले व्लॉग में, इसी ब्लॉग में बताई है मैंने कि भारतवेंस का एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उन्होंने शॉर्ट आउट नहीं की, तो अब वो सीधा हम जाएंगे जम्मू में, उधर ही गैरेज में शॉर्ट आउट कराएंगे। तो हमें बच गया 600 किलोमीटर और 350 आज निकालेंगे, 300 रात को निकालेंगे सुबह। कल होप सो हम सुबह सुबह कंपनी में पहुँचाएंगे या रात तक ही पहुँचाएंगे 2-3 के करीब। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी नागपुर जाएंगे, नागपुर से एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे सीधा जालना, जालना का हमारा लोड था। तो गाइस चलते हैं बाहर, देखते हैं ग्रीस और उसके बाद चलते हैं आगे का सफर, कंटिन्यू आज करते हैं। लेट्स गो। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको। सो भाई लोग हमारी हो गई है ग्रीस एंड निकलने लगे हम लोग। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी है, गाड़ी पूरी मिट्टी से भर चुकी है। चले जाते, सो निकलते हैं यहाँ से। तो भाई जी काफी टाइम से हम ड्राइव कर रहे हैं, सो ऐसी बिल्कुल एकदम एक क्लास रोड है और हम क्रूज लगा के चल रहे हैं। ये देखो अपनी टांग ये रखी है
एंड क्रूज लगा के हम ज्यादा इस प्लेन रोड पे चल रहे हैं। कल से मैं क्रूज लगा के चल रहा हूँ गाइस, एकदम प्लेन है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, गियर वेयर चेंज करने की इतनी नीड नहीं आती हम लोग को। सो बॉर्डर आ गए हैं अभी, थोड़ा सा बॉर्डर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर जो के अभी है, यहाँ से इस वीडियो को मैं बंद कर लेता हूँ पहले। सो यहाँ से बॉर्डर है अभी 40-45 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र बॉर्डर, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। सो उसके बाद हम फाइनली पहुँचने वाले हैं दुलिया 722 किलोमीटर। एंड रोड तो बढ़िया है, एक क्लास है भाई, टेंशन नहीं है। और गाड़ी भी अभी कम चल रही है सो इसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं हो रही। उसका आजी बैठे हुए मस्ती में, रात को हम सो गए थे तो इसकी नींद दोनों को हो गई है थोड़ी बहुत ही। सो बाकी हम उधर पहुंच के एक दिन रात को सो जाएंगे आराम से, क्योंकि लोड वोड का कोई आइडिया नहीं रहता कि जाते ही हो जाए। सो इसके लिए तो आज कॉन्टैक्ट भी करेंगे हम पार्टी वाले से कि कहाँ पे आना है, क्योंकि रात को हम पहुँच जाएंगे होप सो 12-1 बजे के करीब। आपको दिखाते रहेंगे वीडियो में कब तक हम पहुँचते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं आगे, करते हैं बॉर्डर क्रॉस एंड देखते हैं क्या होता है फिर। तो ऐसा कुछ व्यू के साथ, चेक दिस आउट इधर, एंड इधर भी कुछ ये फल वगैरह पता नहीं क्या लगाया हुआ है, इधर खेत है किसी चीज़ का, अभी कोई आइडिया नहीं, चेक दिस आउट। सो आ रही आगे से गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा एंड भाई। तो भाई जी हम आ चुके हैं बॉर्डर पे, एंड अपने पीछे देखो गाड़ी, सो अपने आगे तो लाइन ही लाइन है गाइस, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन। यहाँ पार्किंग भी है, यहाँ पे अगर कोई बॉर्डर पे आना चाहे तो पार्किंग में भी गाड़ी लगा सकता है। इधर होटल भी है, ये होटल है, यहाँ डेफ वेफ ऑल ओवर चीज़ें मिलेंगी और यहाँ भी पार्किंग एरिया। सो हम लोग तो लाइन में ही है भाई, हमने पार्किंग नहीं करनी है, हमें तो सफ़र करना है 600 किलोमीटर है तो वो क्लियर करना है। तो जाम लगा हुआ बड़ी स्लो स्लो, अभी पता नहीं इधर 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा, टाइम हो गया 9 और पता नहीं कितने 9:30 और पता नहीं कितने बजे तक हम यहाँ से निकलते हैं। लेट्स सी। सो फाइनली गाइज, उस बॉर्डर पे भी ये गाड़ी अपने आगे थी और इस बॉर्डर पे भी आगे, सडनली अभी जस्ट ओवरटेक करके आगे पहुँचे, तो भाई सेम हो रहे हैं। तो हम पहुँच गए महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, एंड तीन लाइनें यहाँ पे चल रहे हैं, बाकी तो ये यार्ड अच्छा बन गया, नहीं तो बॉर्डर पे यहाँ खड्डे बहुत रहते हैं, पर ये यार्ड बहुत अच्छा बना, नया बना। तो पीछे अपने कितनी 2 गाड़ियाँ और 3 लाइन्स हैं, अभी करते हैं ब्रेक को नीचे और वेट करते हैं, ये गाड़ी हिलती रहेंगी तो हम भी आगे हिलते रहेंगे, सो वेट करते हैं। गाइस ये देखो, ये क्या किया हुआ है, अपना बहुरूपिया, हकीकत में चाकू अंदर किया हुआ है, बहुरूपिया बहुरूपिया निकाल सकते हैं इसको, बहुरूपिया 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 क्या मतलब, बहुरूपिया कलाकारी, यही माता हकीकत नहीं है, बहुरूपिया कलाकारी है भाई, बताना अच्छा। अरे तो भाई लोग इसी के साथ टाइम 3 एंड हम लोग ने अभी जस्ट खाना खाया एंड वीडियो शूटिंग शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो सीधा गए खाना खाया बिकॉज, और हमें रात को पहुंचना भी है तो इसलिए निकल आए। तो अभी बच गया हमें 400 किलोमीटर एंड नागपुर से हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले जो कि सीधा जाएगी यहाँ पे जालना में, जालना थोड़ा सा आगे जाके उतर जाएंगे, वहाँ से यू टर्न लेके आएंगे बिकॉज एक्सप्रेस वे का हर जगह लिंक नहीं होता, पर ये एक्सप्रेस बताई गई है बहुत खतरनाक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। सो लेट्स सी, आज हम ट्राई करते हैं और रोड आपको दिखाते हैं कौन सी रोड ऐसी है जहाँ पे महाराष्ट्र के लोग हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक्चुअली 2-4 ड्राइवर थे, सो वो भी मेरे से मतलब ये कह रहे थे कि उस रोड से नहीं जाना, वो बहुत एक्सीडेंटल केसेस वहाँ पे आते हैं एंड बहुत डेंजरस रोड है। सो जाके हम ट्राई करने वाले आज कि कितने डेंजरस रोड है एंड क्या होता है हमारे साथ। सो गाइस आ गया टाइम इस रोड को गुड बाय करने का और अपनी एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हम लोग, यहाँ से ये रोड भी जाती है बट हम एक्सप्रेस वे से जाएंगे, देखेंगे एक्सपीरियंस करेंगे एक्सप्रेस वे कैसी बनी हुई है जो नहीं है। सो उसी से चलते हैं, हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सो बारिश का सीन हो रहा है, अभी इतनी गर्मी थी अभी बारिश का सीन हो रहा है। सो निकलते हैं यहाँ से लेफ्ट लेके, सीधा उसी रोड पे मिलते हैं अभी टोल पे। तो गाइस ये देखो एक्सप्रेस वे पे हम रुके हुए हैं, सो ये रही अपनी गाड़ी और देखो चेक दिस आउट गाइस, कितनी फास्ट चलती हैं गाड़ियाँ यहाँ पे एंड सीधे हमें जब ये लेके जाएगी सीधा हमें जालना पे, एंड ये गाड़ी आ रही है सामने से और मैं और उस्ताद जी नीचे उतरे हुए, रेस्ट वेस्ट कर लें तो फिर ही निकलेंगे। एक्सप्रेस वे का पहला टोल ये आ रखा है, लाइट कमर्शियल व्हीकल है, LCV रस्ते चल रहा है, देयर गोइंग समवेयर, रिड्यूस प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स, आके बैठे हुए ये बंदे। और सो गाइस हम पहुंचाए हैं अपनी डेस्टिनी पे, फैक्ट्री भी बिल्कुल पास में, एंट्री भी करा दी गाड़ी की एंड अभी टाइम हो गया 1:30,
तो गाइस इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल रहा हूँ कि जो टोल हमें लगा एक्सप्रेस वे का नागपुर से लेकर यहाँ तक 3400 का 3400 का टोल लगा और 260 का इस रोड पे टोल लगा यहाँ पे। तो ये टोल कटा के मतलब एंड एंड 10,000, 11,000, 11,500 के टोल लगे हमें पूरी से लेकर यहाँ तक, तो जलना तक। तेल हमारा लग चुका है 30,000 का, हमने उधर से डलाया, फिर 10,000 का डलाया, 5,000 का पहला था हमारे पास, 30 और 10, 40, 45,000 का डीजल और 11,000 के टोल हो गया 51,000। और लोडिंग अनलोडिंग जेब से मतलब 2-3,000 रुपये हम जेब से लगा के गाड़ी यहाँ पे पहुँचाई हमें। सो इस ट्रिप में तो बचा कुछ नहीं, चलो ये है कि यहाँ से माल होप्सो मिल जाए जिसमें कुछ थोड़ा बहुत गाड़ी छोड़े। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड कर दें। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। मिलते हैं कोई नए वीडियो में गाइस, तब तक गाइस प्लीज़।